अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इशा किचन में आपका बहुत ही प्यार साथ वेलकम है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी टेस्टी सा मज़ेदार झटपट बनने वाला दावतों वाला चिकन की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी। ये देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर चिकन ले लिया जिसको मैंने धो के रख दिया है। ये मेरा चिकन 1 kg है और ये मैंने 2 medium साइज़ की प्याज ले ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया है। और पाउडर्स में मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 tablespoon ज़ीरा, 1 tablespoon कश्मीरी लाल मिर्च, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 tablespoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 tablespoon काली मिर्ची का पाउडर, 1/2 tablespoon हल्दी, 1/2 tablespoon नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये मैंने लिया 3 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 150 ग्राम दही और मैंने यहाँ पर 10 काजू, 10 बादाम और 1/2 tablespoon खशखश भिगा के रख दी थी। और ये मैंने यहाँ पर ले लिया एक गरी का टुकड़ा जिसको मैंने छील लिया है, ऊपर से इसका काला काला जो छिलका होता है वो उतार दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना दावतों वाला चिकन बनाना। चलिए सबसे पहले हम अपनी गैस ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाह, गैस पे मैंने रख दिया अपना टोप। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 100 ग्राम तेल। अब हम अपने तेल को गर्म होने देंगे। तो चलिए हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी प्याज। बिस्मिल्लाह, चलिए हम अपनी प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप ये चिकन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर चाहे आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है तो, और देखिएगा कैसी आपकी तारीफ़ें होती हैं जब मेहमान आपका ये चिकन खाएंगे, आपसे आपकी रेसिपी मांगेंगे वो लोग कि बताइए आपने कैसे बनाया है ये चिकन। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज हो चुकी है। हम अपनी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपनी प्याज को निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, हम प्याज को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। और चलिए अब हम अपने काजू बादाम खसखस जो भिगा के रखे थे वो पीस लेते हैं। और इसी में हम ये गरी का जो टुकड़ा था वो काट के पीस लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये इलायची बताना भूल गई थी, मैंने ये 4 इलायची भी ली है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और बस इसको पीस के बारीक सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमारा काजू बादाम खोपरे का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम अपना चिकन मैरिनेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले हम एक बोल और इसमें ले लेंगे अपना चिकन। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने अदरक लहसुन का पेस्ट और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने काजू बादाम का पेस्ट रेडी किया था वो। बिस्मिल्लाह, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने सूखे मसाले। बिस्मिल्लाह, अब हम इसमें डाल देंगे अपना दही और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी तली हुई प्याज। इसको एकदम बारीक बारीक हाथों से इस तरह से मैश कर देंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से अपनी प्याज को बारीक बारीक क्रश कर लिया है। अब ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चलिए, अब हम अपने मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, हमारे मसाले और चिकन की फ्रेंडशिप करा देंगे ताकि हमारा चिकन खूब टेस्टी टेस्टी सा हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन रेडी है मैरिनेट होने के लिए। मैंने सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए अपने चिकन के साथ। बस अब हम इसको रख देंगे 45 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हमारे 45 मिनट्स कम्प्लीट हो चुके हैं, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम ऑन कर लेंगे अपनी गैस। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सेम टोप है, इसमें सेम तेल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी और अब हम अपने तेल को गर्म होने देंगे। तो चलिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। बिस्मिल्लाह, ये देखिए फ्रेंड, मैं अपना मसाला बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, पूरा मसाला पोछ पोछ के अच्छे से सब टोप में ले लूंगी।
ये देखिए फ्रेंड, मेरा मसाला वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सेम बोल में थोड़ा सा पानी ले लिया। मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि हमें चिकन गलाने के लिए भी थोड़ा पानी चाहिए ही है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह दिखने में कितना प्यारा लग रहा है हमारा चिकन, और खुशबू भी माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी आ रही है। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, क्योंकि मैं अपने वीडियोस के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें। चलिए अब हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए और हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। चलिए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, अब अपना चिकन चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह फ्रेंड, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए हमारे दही का पानी छूटा है, सब मसालों का पानी जो छूटा है, कितना सारा हमारा इसमें पानी हो गया है। और अभी हमारा चिकन वैसे तो नहीं गला है, पर जो इसमें तब सारा पानी जाता है, ये पानी जलाएंगे अपना चिकन भूनेंगे, ये गल जाएगा उसमें। हम इसको लो फ्लेम पर ही खूब अच्छे से भूनेंगे, इसका सारा पानी जला देंगे। और हम इसको लो फ्लेम पर इसलिए भूनेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। ये देखिए खूब अच्छे से धीमे धीमे आँच पर भून रहा है, इसका पानी भी थोड़ा रिड्यूस हो चुका है और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला माशाल्लाह खूब अच्छे से भून चुका है, कैसा इसका तेल एकदम अलग हो चुका है। और हमारा मसाला देखिए कितना अच्छा दानेदार हो गया है, और देखिए बस हम रेडी हो गया हमारा माशाल्लाह से टेस्टी सा दावतों वाला चिकन। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि थोड़ा सलसला हो जाए। इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है, सूखा ही सूखा रखना है, हमें ज़्यादा नहीं डालना, भुना ही भुना रखना है, हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना इसमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/3 कप पानी। ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी हमारी चिकन की ग्रेवी की। फ्रेंड्स माशाल्लाह हमारा चिकन खूब अच्छे से भुन चुका है, गल चुका है और ये रेडी हो गया हमारा टेस्टी सा चिकन। अब हम इसको एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ। चलिए अब हम इसको ढक देंगे और अपनी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और बस रेडी है हमारा गर्मा गर्म चिकन। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है माशाल्लाह हमारा टेस्टी सा दावतों वाला चिकन। इसे आप भी ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, अपनी प्यारी फैमिली को खिलाइए, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। अल्लाह सबको खुश रखे, अच्छी सेहत दे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। प्लीज़ सपोर्ट।